अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं भाई हाजिर हूँ एक नई रेमेडी के साथ। अब रेमेडी क्या है? वो है उपटन। हम आज बनाएंगे उपटन। अब आप पूछेंगे कि उपटन किस लिए? उपटन जो है उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। वो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, फेयर बनाएगा और हमारी स्किन को डिटेन करेगा। अब डिटेन क्या है? जो हमारे स्किन सन रेडिएशन की वजह से डल हो जाती है ना, वो उसको क्लियर कर देगा और इसके साथ साथ हमारी स्किन को टाइट भी करेगा। अब जब भाई इतने फ़ायदे हैं एक ही चीज़ के, तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? तो चले पहले बनाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। एक मिनट, ये उपटन कहीं भी नहीं लिखा कि ये उपटन सिर्फ ब्राइडल ही लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उपटन सिर्फ और सिर्फ ब्राइड ही लगा सकती है। नहीं, आप कोई भी, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, किसी भी एज का कोई भी हो, किसी भी जेंडर का हो, लड़के हो, लड़कियाँ हो, कोई भी उपटन लगा सकता है। ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइड्स लगा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो चले अब हम बना लें। मैंने कहा पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये सब के लिए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर मतलब के 2 चम्मच बेसन लेना है आपने। और इसके बाद आपने 3 से 4 चम्मच आपने उबले चावलों का पानी लेना। मतलब कि जब हम चावल उबालते हैं तो उसके ऊपर जो पीछे यहाँ पानी आता है ना, उसके हमने 3 से 4 चम्मच लेने हैं। इसके बाद 1 चुटकी हल्दी आपने ऐड करके ना, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। तो भाई हमारा उपटन हो गया रेडी। तो अब हम इसे करेंगे अप्लाई और इसके रिजल्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे है। तो चले अप्लाई करते हैं। अच्छा, आपने इसे रेगुलर 7 डेज अप्लाई करना और आप खुद इसके रिजल्ट्स देखेंगे कितने अच्छे हैं। और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इसे 1 वीक के लिए बना के ना तो फ्रीज कर दें और डेली आप यूज़ करें, क्योंकि चावलों का पानी रोज़ निकालना तो मुश्किल है, बेसन तो सबके घर में होता है। आपने 7 डेज के लिए इसे स्टोर कर देना, 1 वीक का बना के आप इसे स्टोर कर दें और आप इसे डेली यूज़ करें। अब इस उपटन को अपने हाथों पे, फेस पे, अपने पाँव पे और अपनी कोहनियों पे, जहाँ पे आप चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप कुछ में ऐसी चीज़ें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप इसे अपने फेस, बल्कि फुल बॉडी पे भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने इसे 10 से 15 मिनट्स लगाना और उसके बाद आप इसे वॉश कर दें। 10 से 15 मिनट्स के बाद आपकी स्किन ऐसे जब टाइट होना शुरू हो जाएगी ना, तो आपने तब इसे धो देना। ये स्किन टाइट होने की वजह से आपकी स्किन को ड्राई भी करेगा, तो इसलिए आपने 1 से 2 घंटे के बाद ना इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देना, जो भी आपके घर में हो। अगर कोई भी नहीं है आपके पास तो अच्छा है कि आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है तो वो वैसे भी अगर आप कुछ अप्लाई करें, या ना करें कोकोनट ऑयल आप रोज़ रात को सोने से पहले अप्लाई किया करें अपनी बॉडी पे, ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा चाई है और मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं इसके लिए क्या लगाऊँ? तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप रोज़ रात को ना कोकोनट ऑयल लगा के फेस पे ना तो सोया करें। जिनकी स्किन ड्राई है, वैसे चाहिया नहीं है लेकिन वैसे स्किन ड्राई है, तो मैं उन्हें भी ये बोलूँगी कि आप रोज़ रात पर कोकोनट ऑयल लगा के रोज़ सोया करें, बल्कि उससे आप मसाज किया करें अपने फेस पे, आपकी स्किन जो है उससे भी टाइट रहेगी और आपकी स्किन पे अगर कोई भी निशान वगैरह होंगे तो वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगी। आप जरूर यूज़ करें इसे। तो मैंने अपने हाथ धो लिया और उसके बाद मैंने ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद मैंने उसके ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, तो आप देखें कि मेरा हाथ कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे लगे। तो हमेशा की तरह वीडियो का एंड करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लगना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। तो हमारी आज की वीडियो यही तक थी। आई होप आपको ये उपटन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको उपटन कैसा लगा और इसके रिजल्ट्स कैसे लगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।